से बीजेपी में एक कानून है, कभी कभी आप कानून बनाते हो वो आप ही के ऊपर लग जाता है। एक ही दिन तो पैर पड़ रहा, फिर तो गर्दन पकड़ेगा। मैं इस तरह नहीं कहूंगा कि भैया हम भाइयों बहनों मेरे, मैं आपका चाचा, मैं आपका भाई। तो इन लोगों ने एक नियम बनाया, जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन। डायबिटीज मजदूरों को नहीं होती, होती ही नहीं, गजब बीमारी है, तो रेशियल बीमारी है, रेशियलिटी करती है, ये बायस्ड है। आंदोलन करना पड़ेगा इसके खिलाफ कि भगवान ये कैसा अन्याय है, जिसके पास पैसा है वो भुना हुआ चना खा रहा है, जिसके पास नहीं है वो 3 किलो चावल, 2.5 किलो मटन डाल के पूरा घुमा के खा रहा है। क्या नेचर ने बैलेंस कर रखा है। तुम देखो मजदूरों को होती नहीं, हमने तो नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा होगा, होती नहीं। तो इन लोगों ने एक नियम बनाया, जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन, कि जो टैक्स देगा वो पार्लियामेंट में जाएगा। अब मिडिल क्लास वर्किंग क्लास टैक्स देगा नहीं तो पार्लियामेंट में जाएगा नहीं, ठीक। लेकिन कभी कभी आप कोई कानून बनाते हो, जैसे बीजेपी में एक कानून है कि जो भी 65 से जो ऊपर हो जाएगा वो एक्टिव राजनीति नहीं करेगा। अभी बना था रिसेंटली, अब कई और लोगों पे लागू होने जा रहा है। अब देखें क्या होता है। कभी कभी आप कानून बनाते हो वो आप ही के ऊपर लग जाता है। जैसे आप कानून बनाते हो कोई खाते वक्त मोबाइल नहीं देखेगा, पता लगा आप ही बैठ के देख रहे हो, बच्चों ने टोक दिया, पापा बोले सर तुम ही तो कहते हो सर कि कोई खाते वक्त मोबाइल नहीं देखेगा, सर ये कानून तो तुम ही ने बनाया सर, वो भी जेंटलमैन कानून है, ये बीके नहीं है, बदतमीज कानून, जेंटलमैन, तुम सब जेंटलमैन हो सर, ये कानून तुमने बनाया है, लो पैसे, पैसे चाहिए ये लो, पर हमको भी रिप्रेजेंटेशन दो। कहां? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, राइट। हम तो सीधे जनता को बोलेंगे भैया हम तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं पार्लियामेंट में, तुम्हारा काम करेंगे, तुमको जिताना हो तो मुझे वोट दे देना, नहीं तो मैं फिर क्लास में चला जाऊंगा। मैं इस तरह नहीं जाऊंगा कि भैया हम भाइयों बहनों मेरे, मैं आपका चाचा, मैं आपका भाई। ये नेता लोग फालतू की रिश्तेदारी बनाते हैं बेचारी सीधी सादी जनता से, कोई कहता मैं मामा हूँ, कोई कहता मैं चाचा हूँ, कोई कुछ बता रहा है, ये सब सर पब्लिक इसी पे तो खुश होती है। कम से कम चलो विधायक है तो क्या हुआ, आज तो पैर पड़ रहा है, एक ही दिन तो पैर पड़ रहा है, फिर तो गर्दन पकड़ेगा। अब लेकिन जो जनरेशन आ रही है वो बहुत अच्छी जनरेशन, इन लोग की तो और अच्छी जनरेशन आ रही है, मतलब हमें तो सबसे ज्यादा जो आशा है वो इन लोग की जनरेशन से, कि इनकी जनरेशन आते आते ये इतने मैच्योर लोग हैं, इतने इनको पता है कि कौन कहाँ खेल रहा है, कास्टिसिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, मुझे क्या चाहिए। तो जिस दिन ये जनरेशन और डोमिनेंट हो जाएगी पूरी पिक्चर हिंदुस्तान की चेंज हो जाएगी। चलिए, मतलब लिटरेचर सबको पढ़ना चाहिए, मतलब तुम लोगों को लिटरेचर से तो जरूर लगाव रखना चाहिए, पोयम है, स्टोरीज हैं, नॉवल्स हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं, मैं जब भी कभी परेशान होता हूँ कोई एक लाइन उनकी उठा लेता हूँ, प्रसादों के कनकाप शिखर होते कबूतरों के ही घर, ना जो बड़े बड़े महलों में लोग रह रहे हैं, कितने लग्जरी में रह रहे हैं, और लग्जरी आदमी को बर्बाद करती है। नेसेसिटी होनी चाहिए, लग्जरी नहीं। प्रसादों के कनकाप शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुण न रहता है कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं दरारों में, रहता वो कहीं पहाड़ों में शैलों की फटी दरारों में। ये एक मैसेज है कि तुम्हारे सपने जितने बड़े हैं तुम्हारा संघर्ष भी उतना बड़ा होगा, जितना संघर्ष बड़ा होगा उतनी शक्ति पैदा होगी। तो रीराइटिंग होनी ही चाहिए, पर उसका मॉडल क्या होना चाहिए, iPhone 15 वाला।